गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मॉर्निंग के टाइम किचन देख सकते हैं आप लोग पीछे से। और एक सेकंड बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मेरा किचन कितना नीट एंड क्लीन है। इसलिए नीट एंड क्लीन है क्योंकि कल रात में मैं किचन को क्लीन कर ली थी। एक्चुअली कल रात में नहीं, मैं डेली नाइट टाइम किचन को क्लीन करती हूँ। तो मॉर्निंग के टाइम जब मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आती हूँ तो देखती हूँ मेरा किचन पूरा नीट एंड क्लीन रहता है। और फिलहाल मेरा किचन क्लीन है, लेकिन ये अभी गंदा होने वाला है क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी तो सिंक पे कुछ बर्तन आ जाएगा और काउंटर टॉप पे भी थोड़ा बहुत आटा जैसे छिड़क जाएगा क्योंकि मैं पराठा बनाऊंगी आज। और कुकटॉप भी थोड़ी बहुत गंदी हो जाएगी, तो इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाऊंगी आप लोग को कि मैं घर का साफ सफाई काम मैं कैसे करती हूँ विदाउट मेड। तो आज का टॉपिक यही है कि हम लोग काम वाली के बिना घर को कैसे साफ सफाई कर सकते हैं, घर का कैसे साफ सफाई कर सकते हैं और घर का काम को कैसे आसानी से कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। वही मैं आप लोग के साथ आज शेयर करने वाली हूँ ताकि आप लोग को भी कुछ हेल्प मिल सके ये वीडियो के थ्रू। एक्चुअली 4-5 दिन से मेरा काम वाली नहीं आ रही है, तो मैं कैसे अपना घर का साफ सफाई को मैनेज कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। और मुझे कुछ दिक्कत भी, कोई इरिटेट भी फील नहीं हो रहा है। मतलब होता है ना, ये काम वाली नहीं आने से एकदम सर दर्द हो जाता है, इस टाइप का कुछ नहीं होता है क्योंकि मैं सब काम को स्टेप बाय स्टेप कर लेती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ, देखिए किचन कितना क्लीन है ना, क्योंकि मैंने इसको रात में क्लीन करके रखा था बोल के ये किचन बहुत क्लीन है। लेकिन अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और उसके बाद का किचन का हालत कैसा होता है वो भी मैं दिखाऊंगी। और ये देखिए ब्रेकफास्ट मेरा बन चुका है और किचन का हालत मेरा कुछ इस तरह से हो जाता है और ये डेली हो जाता है। और कुकटॉप का हालत देखिए, यहाँ पर मैंने चाय बनाई थी तो चाय गिर के थोड़ा सा ये गंदा हो गया है और ऑयल वगैरह छिड़क के भी कुकटॉप बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है। लेकिन इसको मैं अभी क्लीन नहीं करूँगी, इसलिए नहीं क्लीन करूँगी क्योंकि काम वाली जो आती है ना वो नहीं आ रही है 4-5 दिन से। वो अगर आती है तो वो शाम में एक बार क्लीन करती है तो मैं सुबह में कर लेती हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ इसको क्लीन नहीं करूँगी क्योंकि मुझे लंच बनाना है तो फिर से ये गंदा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ इसको अभी क्लीन नहीं करूँगी। और इस साइड देखिए आलू का सब्जी बनाई थी तो आलू का छिलका पड़ा हुआ है और सिंक पे कुछ बर्तन इकट्ठा हो गया है, ये सब को मैं अभी क्लीन कर लूँगी और काउंटर टॉप को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और किचन मेरा क्लीन हो चुका है और यहाँ पे बर्तन सब मैंने रखा है क्योंकि ये थोड़ा सा सूख जाएगा तो इसको बर्तन स्टैंड में रख देंगे। अभी किचन का काम हो गया है, किचन को मैंने पूरा क्लीन कर दिया है और अभी हम बिस्तर बनाएंगे क्योंकि बिस्तर सब मतलब समझ रहे हैं आप, सो के उठे हैं तो ब्लैंकेट वगैरह इधर उधर होके हैं और मतलब पिलो भी इधर उधर गिर के पड़ा हुआ है, तो वो सब हम समेट लेंगे और बिस्तर बना लेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद झाड़ू लगाएंगे और पोछा लगाएंगे। तो चलिए अभी बाकी का काम कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने हॉल रूम का क्लीनिंग करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि अचानक से अगर कोई आ जाए तो उनको मैं हॉल रूम पे बिठा सके और उनको देख के ये ना लगे कि इसका घर में काम वाली नहीं आई है। तो देखो घर को कितना गंदा रखी है और घर को कितना गंदा रखती है। फिर बाद में एक एक करके मैंने बेडरूम को और ऑल फर्नीचर फिर झाड़ू पोछा कर लेंगे।
ऑलमोस्ट हो चुका है सब कुछ और अभी मैं आ गई हूँ फिलहाल किचन में क्योंकि मुझे लंच बनाना है। तो लंच बनाने के बाद देखूंगी किचन कितना गंदा हो रहा है, मैं देखूंगी नहीं, मतलब किचन को पूरा क्लीन करूंगी और सिंक पे कुछ बर्तन पड़ा रहेगा वो भी क्लीन कर लूंगी और कुकटॉप को भी क्लीन कर लूंगी अच्छे से। तो चलिए मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ और फिर सवार लूंगी, फिर खाना बनाऊंगी, फिर उसके बाद में सवार लूंगी, आज मैं शैम्पू करूंगी। तो चलिए अपना काम स्टार्ट करते हैं। और अभी मेरा खाना बन चुका है, मतलब ये जो सूट मैं कर रही हूँ अभी लंच बनाने के बाद। और देखिए कुकटॉप का हालत कितना गंदा हो चुका है, तो इसीलिए मैं सुबह में क्लीन नहीं करी क्योंकि लंच बनाने के बाद फिर से ये गंदा हो जाएगा। तो मैं सोची चलो एक ही बार क्लीन कर लेंगे, बार बार क्लीन करने से अच्छा एक ही बार क्लीन कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग लंच कर लेंगे। और लंच करने के बाद जो बर्तन वगैरह रहेगा उसको भी हम तुरंत ही क्लीन कर लेंगे और कुकटॉप के साथ जो काउंटर टॉप है उसको भी अच्छे से हम क्लीन कर लेंगे। अभी के अभी थोड़ी बहुत गंदी है, ज़्यादा नहीं है। और ये जो बर्तन है ये दोपहर का बर्तन है और कढ़ाई पतीला जो भी है उसको हम क्लीन कर लेंगे और क्लीन करके रख देंगे क्योंकि काउंटर टॉप मेरे क्लीन हो चुका है तो इस टाइम उतना भारी क्लीनिंग नहीं है। तो थोड़ी बहुत बर्तन है उसको क्लीन कर लेंगे तो बस हो जाएगा। और अभी शाम का टाइम हो चुका है और थोड़ी बहुत जो कपड़ा मैंने धुली थी उसको मैंने फोल्ड करके रख रही हूँ अपनी अपनी जगह में रख दूँगी। और थोड़ी कपड़ा मैंने धुली थी, ज़्यादा नहीं, ऐसे ही करके मैं थोड़ी थोड़ी करके कपड़ा धुल लेती हूँ। और ये जो बर्तन पड़ा हुआ है ना ये डिनर का बर्तन है और बर्तन सब क्लीन हो जाएगा तो मैंने किचन को भी क्लीन कर लेंगे और बाकी का जो काम है वो धीरे धीरे कर लेंगे। और बाकी का काम करके मैं फिर आप लोग से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मेरा किचन पूरी तरह से क्लीन हो चुका है और डिनर करने के बाद थोड़ी बहुत जो बर्तन मेरा सिंक पे पड़ा हुआ था ना उसको भी मैंने क्लीन कर लिया है, कुकटॉप काउंटर टॉप को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। और रात में तो झाड़ू नहीं लगा सकते हैं ना, तो मैंने झाड़ू नहीं लगाई, शाम में झाड़ू लगा दी थी तो वो मतलब क्लीन ही है। और थोड़ी बहुत जो कपड़ा मैंने धुली थी आज तो उसको भी मैंने फोल्ड करके रख दिया है और किचन का बहुत ही अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है। एक सेकंड में आप लोग को दिखाती हूँ। और ये जो बर्तन है ना इसको मैंने अभी अभी धोया है तो इसको इसका जो पानी है उसको निकालने देंगे और ये थोड़ा सूखने देंगे, फिर इसको बर्तन स्टैंड में रख देंगे और तब तक मैं अपना स्किन केयर वगैरह कर लूंगी। और किचन देखिए पूरी तरह से क्लीन हो गया है और ये दूध मैंने इस दूध को बॉयल किया है अभी तो इसको भी थोड़ा थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको भी हम फ्रिज में रख देंगे। तो मैं आप लोग के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि कोई भी काम को आप पेंडिंग मत रखिए, जिस टाइम का जो काम है उसी टाइम आप कर लीजिए। जैसे कि सुबह का बर्तन सुबह में धो लीजिए, दोपहर का बर्तन दोपहर में ही धो लीजिए, तो इकट्ठा नहीं होगा और इकट्ठा होने से प्रॉब्लम होता है, फिर काम करने में आलसी लगता है। जैसे कि कपड़ा भी जो डेली आप धो लीजिए, तीन चार करके धो लीजिए और बाकी का भी सफाई थोड़ी बहुत करके अगर करिएगा तो आलसी नहीं लगेगा। और उसी काम को अगर पेंडिंग रख दीजिएगा तो फिर इकट्ठा करने में
हमें बहुत ही आलसी लगता है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोग के साथ यही शेयर की हूँ। होपफुली आप लोग को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ मेरा कोई न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।